ताज़ा खबरें देखने के लिए RRC के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इस साल फिर से मौसम विभाग का अनुमान गलत साबित हुआ है। मानसून के आरंभ होते ही अच्छी बारिश हुई थी, जिसके बाद किसानों ने फसलों की बुआई कर दी थी, परंतु बारिश के लापता होने के कारण किसानों में चिंता व्याप्त हो गई है और दूसरी बार बुआई की नौबत आ गई है। इस साल भारतीय मौसम विभाग ने 101% बारिश होने का अनुमान लगाया था, परंतु हर साल के समान इस साल भी मौसम विभाग का अनुमान गलत साबित हो रहा है। मानसून के आरंभ में अच्छी बारिश हुई थी और मौसम विभाग ने भी अच्छी बारिश का अनुमान जताया था, जिसके कारण कई किसानों ने अपनी फसलों की बुआई की थी। अब बारिश ने अपनी पीठ मोड़ ली है, जिसके कारण किसानों में चिंता व्याप्त हो गई है। अभी तक सभी ओर समाधान कारक बारिश नहीं हुई है। रोहिणी के बाद मृग नक्षत्र भी सूखा जा रहा है। बारिश के लापता होने के कारण किसानों में गहरी चिंता व्याप्त हो गई है। पिछले कुछ दिनों से वातावरण में बदली छा रही है, जिसके कारण किसानों को आशा होती है कि अब जोरदार बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। मृग नक्षत्र में अकोला जिले में बारिश की झड़ी रहेंगी ऐसी अपेक्षा थी, परंतु बारिश लापता हो गई है। किसानों ने इस साल बड़ी आशा के साथ विभिन्न प्रकार की फसलों की बुआई की है, जिसमें कोपले भी निकल आई है। ऐसे समय दमदार बारिश की बेहद ज़रूरत है, लेकिन इस साल भी इंद्रदेव नाराज नजर आ रहे हैं। जिन किसानों ने फसलों की बुआई की है, उन किसानों के सामने फिर से एक बार दूसरी बार बुआई करने की नौबत आ गई है। यदि आने वाले दिनों में बारिश नहीं होती है तो किसानों को फिर से भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसके संदर्भ में किसान सहित कृषि अधिकारी ने सिटी न्यूज से बोलते हुए अधिक जानकारी दी। आपल्या अकोला जिल्ह्याचा विचार करता आपला सर्वसाधारण क्षेत्र खरीपाचं हे 483,000 आहे आणि आपण आज रोजी जर विचार केला तर आज आपल्याकडे जवळपास 47,000 हेक्टर क्षेत्रावरती पेरणी झालेली आहे संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये। म्हणजे आपल्या सरासरी क्षेत्राच्या 9-10% पेरणी झालेली आहे। पाऊसचं आपण आता बघताच आहात, मान्सूनचा आपला पाऊस खोळंबला असल्याकारणाने मी आपल्या सर्व शेतकरी बांधवांना प्रशासनाच्या वतीनं विनंती करतो की आपण पुरेसा पाऊस पडल्याशिवाय पेरणी करू नये, कारण की आपलं मुख्य पीक सोयाबीन आणि कपाशी हे आहेत आणि 100 शास्त्रीय भाषेत बोलायचं म्हणजे 100 मिलीमीटर पाऊस झाल्याशिवाय आपण कृपा करून पेरणी करू नये, जेणेकरून आपला पेरणीवरती बियाण्यावरती होणारा खर्च आणि सर्वात महत्त्वाचं दुबार पेरणीचं संकट आपल्यावर येऊ नये म्हणून प्रशासना वतीने आपल्या सर्व शेतकरी बांधवांना विनंती करतो की 100 मिलीमीटर पाऊस झाल्याशिवाय कृपया आपण पेरणी करू नये। पावसानं दडी मारल्यामुळे आम्हाला पाऊस सांगितला होता शासनानं निसर्गानं की बा पाऊस येईल, पण पाऊस आलाही थोडाफार, पण त्याच्यावर आम्ही पेरणी केली, ते उगवलं बी, पण आता 20 दिवसापासून पाण्याचा पत्ताच नाही। आम्ही पाणी येईन म्हणून वाट पवरायला, पण पाण्याचा काही पत्ता नाही। आता दुबार पेरणी संकट आमच्या शेतकऱ्यावर आहे, पण शासनानं थोडंफार लक्ष द्यायला पाहिजे की बा शेतकरी जगला तर देश जगेल, पण शेतकऱ्याही मुळात लक्ष नाही कोणाचं, त्यामुळे आमची हाल आहे। मजुरी वाढली, बी बियाणं वाढलं, सारे खताचे भाव वाढले, बियाचे भाव वाढले आणि आमच्यावर आज याचा बट्ट्यानं काढून शेतीपर्याचा टाईम आला। बँका भेटत नाही, बँक कोणाला माफ झाली कोणाला नाही झाली, हां मोठ्या शेतकऱ्यानं काय पाप केलं का, गरिबाचं झालं आणि मोठ्या शेतकरी ते सर्वच, पण आता जर पाणी नाही आलं तर डबल संकट आहे आणि डबल पेरायची सोय नाही आता।